आती हूँ। सो काफ़ी टाइम हो गया, करवाया नहीं था, सो प्लानिंग चल रही है हेयर कट की। लेट्स सी, देख सकते हो आप बाल कितना ज़्यादा। लाइफ है, लाइफ में चीज़ें चलती रहती है, मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ का एक आज वन वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी पायल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, इस व्लॉग में मैं आपसे ना छोटा सा अपनी लाइफ का अपडेट दे दूँगी। मेरे चैनल पे इतने टाइम से वीडियोज़ वगैरह क्यों नहीं आ रहे थे, क्या रीज़न था। एंड मैं अभी रिसेंटली उज्जैन गई थी, सो मैंने इंस्टा पे स्टोरी वगैरह डाली थी उज्जैन की, तो मुझे थोड़े बहुत DMs आए थे एंड लोगों ने पर्सनली भी मुझसे पूछा था कि क्या हो गया पायल, आप उज्जैन गए हो तो आपने व्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं शूट किया, आपने कोई वीडियो वगैरह क्यों नहीं किया। एंड मेरे काफ़ी वीडियोस की प्लानिंग थी, मुझे काफ़ी कुछ वीडियो वगैरह शूट करना था, बट काफ़ी इशू एंड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए थे, तो जिस वजह से मैं कुछ ब्रेक वगैरह भी नहीं कर पाई एंड दूसरे वीडियोस भी शूट नहीं कर पाई। सो मुझे काफ़ी DMs आ रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है, एंड उस सब चीज़ की वजह से ना मेरे इंस्टाग्राम पर एंड मेरे यूट्यूब पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट नहीं थी। ओके, वो सारी बातें मैं आपसे करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे ना जॉब पे जाना है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। सो मैं फटाफट से अपना नाश्ता कर लेती हूँ, देन आपसे सारी बातें एंड सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो यहाँ पहले मैं अपना नाश्ता कर, मैं मॉर्निंग में लेती हूँ मिल्क एंड मिल्क के साथ मैं लेती हूँ प्रोटीन एग्स, क्योंकि मेरा वेट अभी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया। तो अभी जा रही हूँ मैं जॉब पर, एंड नाश्ता हो गया, टिफिन भी ले लिया मैंने, फटाफट से चलते हैं। लॉक लगा के रखना पड़ता, लगाना नहीं होता, वैसे अटकाना पड़ता ताकि मोमो भागना भागे हमारा डॉग। बाय बाय बेटी, बाय 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 मोमो, चलना है आपको, आपको चलना है मोमो, चलना है आपको, कहाँ चलना है, चलो बाय बाय गाड़ी में बाय। तो जब भी जॉब पे जाती हूँ ना, ओ शेट मैं मार्क्स भूल गई, मैं हमेशा मार्क्स भूल जाती हूँ, मेरा हर टाइम का फिक्स है यार मार्क्स भूल गई। हाँ अभी तक यहीं हो आप, अभी तक यहीं हो, हाँ मार्क्स रह गया मेरा। सो मार्क्स लेना भूल गई थी, जो कि मैंने ले लिया है, हमेशा भूल जाती हूँ। एंड देखो अभी भी वो ऊपर से मुझे ही देख रहा है मोमो। ओके सो गाइज, यहाँ से पार्लर मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 4 to 5 मिनट में मैं आराम से पार्लर पहुँच जाती हूँ। सो ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, 4 to 5 मिनट लगता है मुझे पार्लर पहुँचने में, एंड मैं 5 मिनट में पार्लर पहुँच जाती हूँ। सो या गाइज, मैं पार्लर आ चुकी हूँ एंड मेरी प्लानिंग चल रही है अपने हेयर को कट करने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रफ एंड फ्रीजी हो चुके हैं। सो या ट्राई करते हैं, बट देखते कैसा लगता है। सो या मैम कट करेंगे एंड ना अच्छा हेयर कट करते हैं ना, मैं हमेशा उन्हीं से करवाती हूँ। सो काफ़ी टाइम हो गया, करवाया नहीं था, सो प्लानिंग चल रही है हेयर कट की, लेट्स सी कैसा लुक आता है। सो या फटाफट अपना हेयर कट करके मैम से मिलती हूँ। सो या गाइस, देख सकते हो आप बाल कितना ज़्यादा रफ हो रहा है, और नीचे से तो बहुत ज़्यादा ही रफ हो रहा है। सो गाइज, मेरा हेयर कट हो गया है, डू कमेंट डाउन आपको कैसा लगा। एक्चुअली मेरे हेयर ना काफ़ी ज़्यादा नीचे से रफ एंड फ्रिजी हो रहे थे, सो मुझे सिर्फ डेड बाल जो था और जो रफ साइड था सिर्फ बालों का वो ही निकालना था, मुझे अपने बालों की लेंथ से ज़्यादा छोटी नहीं चाहिए थी। सो या फाइनली एंड फ्रंट का थोड़ा सा कट देना था, सो या हो गया। सो गाइज, मैं जब घर से आ रही थी, मैंने आपको कहा था कि मैं जॉब पर जा रही हूँ। काफ़ी लोग पूछेंगे कि आप कौन सी जॉब करते हो, आप कहाँ जॉब पे जा रहे हो। सो गाइज, मैं
पार्लर में जॉब करती हूँ। आई एम अ ब्यूटिशियन, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। सो मेरे घर के ही पास में पार्लर है, मैं वहीं पर ही जॉब करती हूँ। मैं पिछले 2-2.5 साल से जॉब कर रही थी मैं। सो आई एम अ ब्यूटिशियन, बट कोविड के टाइम पर एंड कोविड की वजह से मैंने स्किप कर दिया था जॉब पे भी आना एंड अपना पार्लर का भी जो था वो सब मैंने कोविड की वजह से स्किप कर दिया था, क्योंकि सब कुछ बंद था। तो मैं घर पे ही थी, सो मैंने उसी टाइम पर एंड उसी दौरान में मैंने टाइम पे अपना यूट्यूब चैनल बनाया था एंड मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, कोविड में ही किया था। अभी मेरे चैनल को 1 साल ही हुआ है एंड 1 साल में आप देखो मेरे उतने वीडियोस नहीं है, मेरे काफ़ी कम वीडियोस है। मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है बिकॉज मेरे चैनल पे अभी तक उतने वीडियोस है ही नहीं। ओके, एंड मैंने आपसे कहा था ना कि मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ की अपडेट भी आपको दूंगी कि इतने टाइम मैंने वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बनाए एंड क्या रीज़न था जिस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रही थी। सो मैं वो भी आपको आगे बताऊंगी। हाँ, तो मैंने अपना कोविड में अपना यूट्यूब स्टार्ट वगैरह किया था। सो कोविड में घर पर इतने वीडियोज़ वगैरह मैं नहीं कर पाई एंड न्यू चैनल था तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। फिर उसके बाद मुझे वापस MP जाना था, तो फिर MP का काफ़ी कुछ प्लान था मेरे पास कि मैं जाऊंगी, शादी वगैरह अटेंड करनी थी, बहुत कुछ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, MP जा रही हूँ। तो MP का एक उज्जैन टू पुणे वाला व्लॉग है मेरे चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। तो उस टाइम पर भी था मेरा कि मुझे काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह शूट करने हैं एंड बहुत सारी चीज़ें करनी। हाँ, अब ये टाइम है मैं अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकती हूँ, मैं वीडियोज़ वगैरह कंटिन्यू पोस्ट कर सकती हूँ। बट मैं गई MP एंड मैंने सिर्फ वो वाला जाने का बस एक वीडियो अप शूट किया और वहाँ जाने के बाद कोविड के केस इतने बढ़ गए, कोरोना के इतने ज़्यादा केस हो गए कि वापस सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ मतलब पूरा MP, उज्जैन, इंदौर सब बंद था। फिर और शादी वगैरह जितनी भी थी अटेंड करनी थी सब कैंसिल हो गई। सो माइंड आउट हो गया कि यार क्या करना है। फिर उसके बाद बर्थडे था तो बर्थडे का एक छोटा सा बनाया था व्लॉग। उस टाइम पे भी मेरा बर्थडे जो बना था वो भी कोविड में बना था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी बर्थडे के लिए, भी बहुत कुछ सोच रखा था बर्थडे का, बट उस टाइम पे भी कोविड था। तो फिर जितना भी छोटा मोटा जो भी बर्थडे बना उतना किया और वो बर्थडे का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वाला व्लॉग भी देख लेना, मेरा बर्थडे का व्लॉग था। फिर उसके बाद कम्प्लीट लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो फिर मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं कर पाई, शूट कुछ भी नहीं हुआ मेरा। और फिर उसी टाइम पर मेरे पापा को कोविड हो गया था, क्योंकि मैंने सावन वाला एक व्लॉग था उसमें थोड़ा सा बताया था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज मेरे पापा को कोविड हो गया। हाँ, उससे पहले भी और वीडियोस, पापा को कोविड नहीं हुआ था, उससे पहले भी मेरा प्लानिंग वगैरह थी, बट उससे पहले मेरी मम्मी का ना ऑपरेशन हुआ था, उनको पेट में गांठ हो गई थी, तो उनके गांठ का ऑपरेशन हुआ, उसको 1-2 महीना हुआ, देन पापा को कोविड हो गया। तो मैं उस वजह से फिर वीडियो, मतलब 2 महीना मेरा सोचो 2-2.5-3 महीना ऐसा ही गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, वही सब चीज़ें थी। देन मैं घर आई, फिर पुणे आई और फिर पुणे आने के बाद चीज़ें नॉर्मल हुई, मतलब कोविड के भी केस कम थे, पापा भी नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक हो गया था। फिर मैंने कहा कि अब वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरा चैनल ग्रो करती हूँ एंड चीज़ें सारी वापस कवर अप करती हूँ। बट मैंने सावन का ब्लॉग बनाया था एक, और मैंने उसके बाद आपको कहा था कि मैं सावन की और सीरीज़ वगैरह लाऊँगी, और फिर और भी वीडियोस की प्लानिंग थी, नवरात्रि आ रही थी, हर करवा चौथ आ रहा था, बहुत सारा था मेरे पास, बहुत सारी प्लानिंग थी कि मैं काफ़ी सारा वीडियोस बना सकती हूँ एंड अपना चैनल ग्रो कर सकती हूँ। बट वापस क्या हुआ, मेरे रिसेंटली थोड़ा मतलब टाइम हो गया, 2 महीने होने आए अभी, मेरे जो सबसे छोटे मामा थे वो एक्सपायर हो गए। सो हमें सडनली उज्जैन जाना पड़ा, उनका एक्सीडेंट हो गया था, सो उनकी डेथ हो गई एंड इस टाइम मेरे चैनल को 1 साल से ऊपर हो चुका है, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा बिकॉज मेरे चैनल पे वीडियोस ही नहीं है। मैं 1 महीने में 1 वीडियो, 2 महीने में 1 वीडियो या 1 महीने में 2-3 वीडियो बस ऐसे ही डाल रही थी, वीडियो नहीं आ रहा था, तो चैनल वगैरह भी ग्रो नहीं कर रहा है। सो और व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे, क्योंकि कैसे आएंगे, वीडियो ही नहीं है तो फिर कैसे आएंगे। सो इस टाइम के चीज़ें चलो नॉर्मल हुई है, अभी भी मतलब उतनी नॉर्मल नहीं हुई है, बट यहाँ चीज़ें ठीक नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है एंड मेरा है कि नहीं मुझे वापस कम बैक करना है यूट्यूब पे अपना। सो ये मैं अपना ये वाला एक छोटा सा ब्लॉग बना रही थी एंड एक छोटा सा अपडेट दे रही थी कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है पर हर चीज़ों को फेस करके एंड मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मेरे हर जगह से मुझे हर इंसान बहुत सपोर्ट करता है कि नहीं अगर तुम्हें करना है ये चीज़ तो तुम करो। सो या मैं
करना चाहती हूँ एंड वापस, एंड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी, अब प्रॉब्लम को फेस करना है। अब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ नहीं है कि आप आपका काम या आप आपकी वर्क स्किप कर दो। सो मैंने पार्लर भी छोड़ दिया था, बट नाउ मैंने अपनी जॉब, मैंने अपना पार्लर वापस स्टार्ट की है एंड मैंने अपना यूट्यूब करियर भी वापस स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी प्रॉपर एक्टिव रहना है। तो मेरे पास संडे के दिन छुट्टी होती है एंड यहाँ पर भी मुझसे जितना ब्लॉगिंग हो पाएगी या जितना हो पाएगा मैं यहाँ पर भी उतना ही करूँगी, देन घर जाके भी मैं मुझसे जितने वीडियोस बन पाएंगे शूट हो पाएगा मैं उतना करूँगी, एंड प्लस मैं संडे के दिन मेरा ऑफ रहता है, तो संडे के दिन मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब को एंड अपने चैनल अपने वीडियोज़ को देना चाहूँगी, वीडियोज़ को दूँगी। सोया अब उससे जितना होगा हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो पक्का एंड पक्का रहने वाले हैं, इट्स माय प्रॉमिस। पिछली बार भी प्रॉमिस किया था, बस चीज़ें वापस कंट्रोल के बाहर हो गई, बट या अभी कितनी भी प्रॉब्लम आने दो चीज़ों को फेस करेंगे। सो या फाइनली मैं यूट्यूब पे अपना कम बैक कर रही हूँ। सो या गाइस, अब मेरे आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग या वीडियोज़ देखने ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। सो या मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड चैनल एंड सपोर्ट मी। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लगे तो ही मुझे सब्सक्राइब करो, वरना ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको मुझे सब्सक्राइब करना ही करना है। कोई नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस वगैरह तो फिर यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइस, ये था एक छोटा सा अपडेट मेरी लाइफ का कि क्या चीज़ें हुई एंड क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई, जो कि सारी चीज़ें फेस की है एंड करना है एंड ठीक है, लाइफ है, लाइफ में चीज़ें चलती रहती है, मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। सो या गाइस, आज से आपको बहुत अच्छे अच्छे एंड सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे मेरे चैनल पे। फूड रिलेटेड वीडियोस मैं ज़्यादा बनाऊंगी, मेकअप से एंड ब्यूटी से जो भी कुछ है, जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस मेरे चैनल पे रहने वाले हैं। सो अगर आपको सारी चीज़ें देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।